पार्ट यहाँ पे फैक्टराइज है। अब ये जो फैक्टराइज वाली चीज आती है इसमें, इसमें ये होता है कि आपको किसी फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया होता है और आपको उससे फॉर्मूला पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किसकी आइडेंटिटी बन सकता है। सबसे पहले इसमें टर्म कितने हैं, इसमें टर्म 3 है, और 3 टर्म्स वाले जो थे वो ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसा टर्म आता है तो हमको जो पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है ये वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको हमको कोई आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, किसी आइडेंटिटी में इसको हमको कन्वर्ट करके देना है, तो हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, जैसे 9x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर बनता है, ये बनता है 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6xy ऐसे लिख देता हूँ। और y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर। ये दो चीजें तो एडजस्ट हो गई, मतलब ये आप a स्क्वायर ले सकते हो, ये b स्क्वायर, मतलब अगर मैं चाहूँ तो ये a स्क्वायर ले लेता हूँ, ये प्लस, ये ऐसा का ऐसा ही प्लस, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया प्लस b का स्क्वायर। अगर ये टर्म अगर आपका 2ab बन जाता है, 2ab मींस बन जाता है, तो ये आपका a प्लस b होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन बन जाएगा। तो उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हेयर a इज हाउ मच, a का स्क्वायर, a मतलब 3x का स्क्वायर, तो a कितना है 3x और b कितना है y, ठीक है। तो 2ab क्या होगा, 2ab होगा आपका 2 into a, a कितना है 3x और b कितना है y। तो अब आप इसको देखिए, ये a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस, अब आप इसको देखिए आराम से, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 2 into 3x into y, क्या हो जाएगा 6xy प्लस क्या y का होल स्क्वायर। मतलब आप इसको भी बताओ कैसे लिखिए, इस तरह से लिखिए 2 into 3x into y प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, a कितना था यहाँ पे 3x और b कितना था y, तो ये है a प्लस b मतलब 3x प्लस y का क्या होल स्क्वायर। मैंने ये इसलिए बोला था चेक करने के लिए कि ये 6xy इस फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है, 2ab फॉर्म में तो हो सकता है, इसलिए आपका ये आइडेंटिटी लगेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होता है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है और आपको किसमें कन्वर्ट करना है उसके आइडेंटिटी, क्लियर।